नमस्कार सभी जुड़े हुए शिक्षकों को और सभी बच्चों को। आज हम सब कक्षा 7वीं हिंदी से पाठ 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ इस पाठ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पाठ के नाम के शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है कि हमारे सामने उपस्थित होने वाली कोई भी ऐसी वस्तु हो अथवा व्यक्तित्व हो जो हमें किसी अच्छे कार्य के लिए उत्साहित कर रहा हो, तो ये उत्साह करना प्रेरणा होता है और जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जहाँ से हमें प्रेरणा मिल रही है। पर इस पाठ का नाम तो है प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, यानी इस पाठ में किसी की माँ है जो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैसे तो हम सबकी माँ हमें कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती ही रहती हैं, कहीं न कहीं सभी की माएँ उनके लिए प्रेरणा स्रोत हुआ करती हैं। परंतु इस पाठ में आइए देखते हैं कि किसकी माँ है जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर। मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों नवयुवाओं को प्रभावित किए हैं। ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत उनकी ममता मयी माँ आशियम्मा रही, जिन्होंने अभाव से भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचाकर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह लाड़ प्यार के साथ देती रही। अब देखते हैं मिसाइल मैन का नाम शायद तुम सबने भी सुना होगा, अपने स्कूल में शिक्षकों से सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, उनका जो भी उनसे विज्ञान प्रदर्शनी वगैरह में या फिर इंस्पायर अवार्ड में उनका नाम आता रहा है। मिसाइल मैन के नाम से वे बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम था ए से अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और वे ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व इतना चमत्कारिक था कि उनके कार्य और उनके व्यवहार से केवल हमारे देश भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से करोड़ों युवा उनके व्यवहार और कार्य से प्रभावित हुए, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लिए। अब जो ऐसा महान व्यक्तित्व था उनका प्रेरणा स्रोत कौन था? उनका प्रेरणा स्रोत उन्हीं की माँ जिनका नाम आशी अम्मा था वो रही। अब वो कैसे रही? क्योंकि उनकी माँ आशी अम्मा जो थी और बचपन के जो अब्दुल कलाम के दिन थे वे बहुत ही अभाव भरे थे। वे एक गरीब परिवार से थे जिससे उनके जीवन में आर्थिक अभाव उनके बचपन में रहा, परंतु ऐसा होते हुए भी उनकी माँ ने अब्दुल कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचाकर उसे संभालते हुए उनकी इच्छाओं को जितना अधिक से अधिक पूरा कर पा सकती थी उतना पूरा करते हुए और अधिक स्नेह लाड़ प्यार ये सब उन्हें देती रही। स्नेह और लाड़ प्यार में तो धन खर्च नहीं होता, उत्साहवर्धन में धन खर्च नहीं होता, ये सारी चीजें उनकी माँ उनके लिए करती रही और यही वो स्नेह का मूल भाव। माँ का जो स्नेह था उसके अंदर जो मूल भाव छिपा हुआ था, यानी कि अपने बच्चे का सब कुछ अच्छा करके उत्साहवर्धन करके उसको आगे बढ़ाने का जो मूल भाव था वही कलाम के व्यक्तित्व का आगे चलकर स्रोत बना। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यौछावर होता रहा और उन्हें एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाने की दिशा में आधार भूमि बन सका। इसका मतलब है कि उनकी माँ का जो स्नेह का मूल भाव था वही
राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बन करके, वही जरिया बन करके, देश के सभी बच्चों पर, जब तक वो इस दुनिया में रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे, या राष्ट्रपति पद को उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद भी उनका देश के बच्चों पर ये प्रेम जो है न्यौछावर होता रहा। और उनका ये प्रयास रहा कि हर बच्चा श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बने, और उनको ऐसा बनाने की जो दिशा में उन्होंने काम किया, उसकी आधार भूमि था उनकी माँ का बचपन में उनको दिया हुआ स्नेह और प्रेम। वो किस तरह से अपनी माँ से प्रेरणा लेते रहे, इसको आइए आगे देखेंगे। थोड़ा सा अब्दुल कलाम के बारे में याद कर लेते हैं कि अब्दुल कलाम थे कौन वास्तव में। अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार के बालक थे जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी, और बड़े होकर वे एरोस्पेस साइंटिस्ट बने थे, यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने थे। और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था, वहीं पे वो पले बढ़े। और उनकी मृत्यु राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इसरो से जुड़कर। हालांकि वो राष्ट्रपति बन गए थे, फिर भी वे इसरो से बड़े ही अंतर मन से जुड़े रहे, और उन्होंने इस तकनीक को भारत में विकसित करने के लिए बहुत मेहनत करी। इसी वजह से उनका नाम मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आइए अब पाठ में देखते हैं। आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। इसका मतलब है कि आज के अभी समय में कितने लोग ऐसे होते हैं, आज तो हम अपने आसपास अगर देखें तो एक आदमी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है तो चार आदमी उसकी बुराइयां करते हुए दिख जाते हैं। तो थोड़ा छोटा अच्छा काम से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने काम और व्यवहार से करोड़ों लोगों को, करोड़ों देशवासियों को, पूरे देश को प्रभावित कर किए हों, या पूरा देश उनकी अच्छाई की ओर झुका, उनके दिल में उनके लिए खास जगह बनी। ऐसे करोड़ों में एक दो लोग ही हो पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं। तो ऐसे ही थे, जैसे बहुत कम लोग होते हैं वैसे ही थे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर जो प्रतिभा थी बहुत ही चमत्कारी थी। ये बहुत ही उन चुने हुए महान विभूतियों में से हैं, उन चुने हुए हस्तियों में से हैं, जैसे कि आज के युग में नहीं के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब अगर हम एक नाम लें तो APJ अब्दुल कलाम, जो एक इतने अच्छे, इतने मेहनती इंसान भी थे, वैज्ञानिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, राष्ट्रपति पद पे रह के पूरे देश के लोगों को उन्होंने अपने व्यवहार और काम से प्रभावित किया। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई। इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना सरल था, इतना सहज था। सरल कैसे था और सहज कैसे था? वे बच्चों से भी एकदम ऐसे मिलते थे जैसे वो उनको बरसों से जानते हैं, और इतने अच्छे से, इतनी आत्मीयता से मिलते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा धन संपत्ति, घर मकान जमीन, ये सब चीजें इकट्ठा नहीं की। उन्होंने अपना पूरा वक्त देश के विकास में लगाया, धन इकट्ठा करने में नहीं। तो उनके इस तरह के सरल और सहज व्यवहार को देखकर हर कोई हैरान रहता था, आश्चर्य होता था सबको कि इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति इतना सहज, इतना सरल कैसे हो सकता है। और उनके काम जो थे, जैसे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, खुद उसमें आगे बढ़ के भाग लेना, किसी भी जैसे मिसाइल पे जो काम चल रहा था उन सब से संबंधित राष्ट्रपति होते हुए भी,
तो ये तो सबको प्रभावित करता ही था, काम को वो बहुत महत्व देते थे, लेकिन वे कभी भी अपने पद का अहंकार नहीं करते थे। वे कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं इस देश के सबसे बड़े पद पर हूँ तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे बच्चों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कहीं मेरे पद की गरिमा कम तो नहीं हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनकी बातें बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही सामान्य होती थी, मतलब आम जनता के लेवल की होती थी, आम जनता के स्तर की होती थी। और उनके जीवन मूल्य जो थे, जीवन मूल्य से तात्पर्य है ईमानदारी, सर्वधर्म संभाव, ये सारी चीजें उनके अंदर थी। यही वे कारण थे जिसके लिए डॉक्टर कलाम ने दुनिया में जितने भी चर्चित लोग हैं उसमें एक अपनी अलग जगह बनाई है। इसी कारण उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स का मतलब होता है लोग और प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि चुना इन्हें भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही गया था, लेकिन उन्होंने जनता के दिल में इतनी गहरी जगह बनाई कि उन्हें जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी कि उनसे पहले 10 राष्ट्रपति हुए थे, उनमें से दो राष्ट्रपतियों को भारत रत्न, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया था। और उसके पश्चात ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए आगे देखते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आशी अम्मा थी। जो ऐसे महान व्यक्तित्व बने, कोई भी इंसान बड़ा बनता है उसके पहले कभी बच्चा रहा होता है। बच्चे में उसमें जो संस्कार डाले जाते हैं, जो विचार डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके आने वाले समय, उसके आने वाले जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो इनकी जो प्रेरणा स्रोत थी, इन्हें जो इस तरह का बनाने के लिए जमीन तैयार करने वाली थी, वो उनकी माँ थी जिनका नाम आशी अम्मा था। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड़ प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बताया है कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे या घर में लालटेन से रोशनी होती थी, जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था। डॉक्टर कलाम ने अपने बहुत सारे जो जीवन की ऐसी घटनाएं जो उनके मन को छू जाएं या सुनने वाले के मन को छू जाएं, इनकी चर्चा जब भी वो करते थे तो बार बार अपनी माँ का जिक्र, माँ का उल्लेख, माँ का वर्णन जरूर करते थे। जब उनके बचपन के गरीबी वाले अभाव भरे दिन थे, उस समय उनका एक संयुक्त परिवार था जिसमें ढेर सारे लोग हुआ करते थे, उसके वो सदस्य थे। तो खासकर संयुक्त परिवार जब पहले ढेर सारे लोग 20-25 लोग एक परिवार में हुआ करते थे, तो एक एक बालक पर सभी का ध्यान अच्छी तरह से नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में उनके ऊपर उनकी माँ का लाड़ प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन उन्हें हमेशा लगातार जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिलता रहा। उन्होंने बताया, मतलब वे बताते थे अपने घर का, कि उस समय गांव में बिजली नहीं थी जब वो छोटे थे, तो घरों में बिजली नहीं थी, तब रोशनी के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए मिट्टी के तेल की चिमनी को जला करके रोशनी किया जाता था या फिर लालटेन जलाया जाता था। और मिट्टी के तेल से जलने वाली ये चीज़ें लगातार रात भर जलाई नहीं जा सकती थी, इनको सिर्फ रात के 7 से 9 बजे तक एक निश्चित समय निर्धारित किया हुआ था कि इतने से इतने बजे तक ही ये जलेगा। एक बार तेल भरा गया तो 2 घंटे जलेगा, फिर बुझ जाएगा। पर नन्हे कलाम माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे, क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैंप देती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था।
अभी जैसे कुछ बच्चों का किसी चीज के प्रति खास स्नेह होता है, तो वो चीज जब उन्हें उनकी माता या पिता देते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हाँ, उन्हें कुछ अत्यधिक ध्यान उनके ऊपर दिया जा रहा है या उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जा रहा है। ऐसा अब्दुल कलाम के साथ इस रोशनी वाली चीज के लिए था कि 7 बजे से 9 बजे तक लालटेन जलती थी, लेकिन अब्दुल कलाम को उनकी माँ पहचानती थी कि इसके अंदर प्रतिभा है, ये कुछ ज्यादा समय तक पढ़ करके, कुछ अच्छा मेहनत करके ये कुछ अच्छा आगे कर सकता है। तो इसके लिए उनको दीपक देती थी, 11 बजे तक जला जिसका उपयोग वो करते थे, उनके लिए स्पेशल लैंप देती थी कि रात में वो जब तक चाहें तब तक उसको जला करके और अपनी पढ़ाई को करें, मेहनत करें, उनको रोशनी की वजह से अपने कार्य को रोकने की आवश्यकता ना पड़े। रोशनी को दूसरों तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी लगी थी, जो समय के साथ विश्वव्यापी बनी। ऐसा देखा जाता है कि बचपन में हम जिस चीज की कमी को बहुत ही अंतर मन से महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा होती है कि मैंने तो इस कमी को झेला, पर और किसी को, चाहे अपने परिवार के आने वाले भविष्य वाले सदस्यों, बच्चे हों, अपने भाई बहन हों छोटे, चाहे फिर देश के लोग हों, उनको यही परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए हमारा मन अवश्य प्रयासरत रहने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि काश ऐसा होता कि ये परेशानी किसी की जिंदगी में ना आती जो हमारे समय में आ रही है, पर सब लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं कि वो दूसरों की जिंदगी से या फिर आने वाले समय में उस परेशानी को दूर कर सकें। परंतु अब्दुल कलाम जो इस रोशनी की कमी को महसूस किए पढ़ाई के लिए, वो उनके मन में ऐसी चाह बन गई कि दूसरों को ये परेशानी न झेलनी पड़े, ऐसा प्रयास वो करें और उनकी यही इच्छा जो है आने वाले समय में पूरे दुनिया में फैली। समय के साथ उन्होंने इसको पूरा भी किया। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, वह यह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है, लेकिन कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में गिनी चुनी रोटियां ही थी, यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी, इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। एक ये अन्य घटना है डॉक्टर कलाम के जीवन की, जो उन्हें पूरे जीवन याद रही। कलाम की जो चेष्टा थी, लगन था उनके अंदर, मेहनत करते थे वो, इसके कारण उनकी माँ उनके खाने पीने का, सभी की माँ रखती है खाने पीने का ध्यान, वैसे ही उनकी माँ भी रखती थी। अब वो जहाँ के रहने वाले थे दक्षिण भारत में, वहाँ पे चावल अधिक होता था और चावल जहाँ अधिक पैदावार जिस चीज़ की होती थी पहले, वही चीज़ ज़्यादा खाई जाती थी। लोग बाजार से इतना खरीद कर खाने का चलन उस समय पे नहीं था, लेकिन अब्दुल कलाम को रोटियां ज़्यादा पसंद थी, रोटियों से उन्हें विशेष लगाव था। तो उनकी माँ ऐसा करती थी कि चाहे किसी को रोटी मिले चाहे ना मिले, सब लोग चावल खाएं पर अब्दुल कलाम को 2 रोटियां कम से कम अवश्य मिल जाएं, ऐसी व्यवस्था वो बनाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर में रोटियां कम थी, सबके लिए पर्याप्त नहीं थी, तो ऐसा देखकर उनकी माँ ने ये किया कि जो रोटी उन्हें खानी थी वो उन्होंने खुद नहीं खाई बल्कि अपने पुत्र अब्दुल कलाम को दे दी। अब ये बात उन्हें मालूम नहीं थी, लेकिन उनके बड़े भाई ने धीरे से उन्हें बता दिया कि देखो, माँ ने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दी है आज, मतलब वो माँ भूखी रहेगी। और ऐसा सुनकर सोचकर उनको अंदर से इतना, मतलब अपने माँ के प्रति सम्मान का भाव इतना अधिक हुआ कि वो अभिभूत होकर दौड़ करके जाके अपनी माँ से लिपट गए, खुशी के मारे कि मतलब इतना बड़ा त्याग किया हमारे लिए, तो खुद भूखे रहेगी शायद, और मुझे अपने हिस्से की रोटियां दे दी क्योंकि मुझे रोटी पसंद है। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी गूढ़ बातों पर
अमल किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे हैं। माँ का जो विश्वास था अब्दुल कलाम के ऊपर और वो जो प्रोत्साहित करती थी, उसका ही ये परिणाम था कि वे अपने पूरे जीवन को अनुशासित रहकर ही जीना पसंद करते थे। उनको एक दिनचर्या जो निश्चित हो, जो एक अनुशासन में रह के कि 1 घंटा ये काम करना है, 1 घंटा डेली वाला नहाना धोना करना है, फिर उसके बाद 2 घंटे ये काम करना है, अभी पढ़ाई करनी है, इस समय पे खाना खाना है, इस तरह का जो जीवन होता है समय निर्धारित करके कार्यों का और समयानुसार करने का, उस तरह से जीना वो पसंद करते थे। वे शाकाहार का पालन करते थे। धर्म उनका था मुस्लिम, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के अधिकांश लोग मांसाहार ही किया करते हैं, मतलब ऐसा जो हमारे समाज में प्रचलित है उस हिसाब से, परंतु अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे। वे मुस्लिम होने के बावजूद भी शाकाहार का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। जैसे कि हम लोगों में धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, तो कहीं ना कहीं एक ये ऑटोमेटिक सी बात होती है कि दूसरे धर्म के प्रति घृणा भी कहीं ना कहीं घर कर जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म का ग्रंथ तो पढ़ें, पर दूसरे धर्म के ग्रंथों के प्रति हमारा वो लगाव नहीं रह पाता है। लेकिन उनका ऐसा नहीं था। वे मुस्लिम थे तो कुरान तो पढ़ते थे, लेकिन फिर भी भगवत गीता का भी अध्ययन करते थे। और सिर्फ अध्ययन नहीं करते थे, जैसे कि हम लोग संस्कृत के पाठ में आता है नीति नवनीतम या कुछ भी ऐसे गीता के श्लोक वगैरह भी दिए रहते हैं कि सत्य बोलो सत्यम वद प्रियम वद मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इस तरह का सुने बस, तो सुने कॉपी में लिखे बात खत्म। पर उनका ऐसा नहीं था। वे दोनों से जो गूढ़ बातें पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उसको समझते थे और अपने जीवन में उनका पालन भी करते थे। ये उनकी विशेषता थी। उनके जो संदेश थे, वे जब छात्रों से बातचीत करते थे तो उनके संदेशों में, उनके बातों में हमेशा ही इस तरह की भावों का, इस तरह की भावनाओं का, और अब उनकी माँ से जो उन्हें प्रेरणा मिली थी उसका बार बार उल्लेख मिलता है। भारत के बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ, युवा, सभी उनकी इन बातों से नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित होते हैं और प्रेरणा लेते रहे हैं। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आशियम्मा का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुँह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। वे मुस्कराईं और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हूँ, कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग, मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थीं, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थीं। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था। छोटे बच्चे जब छोटी कक्षाओं की पढ़ाई करते हैं तो अपने गांव में मिल गया था उनको सरकारी स्कूल, पर उसके बाद जब आगे की पढ़ाई उन्हें करनी पड़ी तो उसके लिए उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। किसी भी बच्चे को जब पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर कहीं बाहर जाना होता है तो ये घड़ी बहुत ही भावुकता भरी होती है। अपने माता पिता को छोड़कर अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच जाना आसान नहीं होता है। ऐसा ही उनके लिए भी था। अपने बच्चे से दूर होने के भाव को लेकर के उनकी माँ भी रोने लगी थी, शांत नहीं कर पा रही थी अपने आप को चाहते हुए भी। लेकिन जब माँ को रोते देखे तो छोटे बच्चे होने के बावजूद
अब्दुल कलाम ने उन्हें कहा कि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे दूर जा ही कहाँ रहा हूँ, यानी कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ भले ही पढ़ने के लिए वहां जा रहा हूँ। तो ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर उनकी माँ ने भी अपनी आंसू पोंछ लिए। मुस्करा कर फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने लगी, उन्हें हिदायतें दी, समय से खाना खाना, किसी से झगड़ा मत करना, क्योंकि लगभग सभी की माएँ हिदायतें दिया करती हैं कहीं बाहर जा रहे हो तो, लड़ाई झगड़ा मत करना, समय से सोना, समय से खाना खाना, सफाई से रहना, इस तरह की चीज़ें, समय से पढ़ाई करना, अपना ध्यान देना पढ़ाई पे। तो इसी तरह वे कुछ हिदायतें देते हुए और कुछ कदम कलाम के साथ चली, फिर वहीं रुक गई और उनके पिता, परिवार के अन्य लोग, दोस्त, ये सब उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए। परंतु रेलगाड़ी में बैठकर जब स्कूल की ओर जा रहे थे तो भी कलाम के मन में पिता नहीं थे, परिवार के अन्य लोग नहीं थे, मित्र नहीं थे, उनके मन में कौन था? उनके माँ की ही ममता थी, उनकी ही यादें थी, उन्होंने जो हिदायतें दी थी वो थी, जो गलतियाँ करने पे उन्हें झिड़कियाँ मिलती थी यानी डांट मिलती थी माँ से वो थी, शरारत करने पर कुछ जो उनके साथ सख्तियाँ की जाती थी, हर माँ करती है अगर शरारत करते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें उनके मन में उनके साथ थी और उनका मन जो है माँ की ममता से पूरा ओतप्रोत था। उनके मन से उनकी माँ दूर नहीं हुई थी भले ही वो अपनी माँ से दूर जा रहे थे। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है। हर बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है इतना ज़्यादा जब तक साथ रहता होता है, और जब बाहर जाता है तो वही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती है, खलती है कमी कि माँ साथ होती तो अच्छा होता। और यही भाव उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी एक माँ के नाम से कविता लिखी है, इसमें वही भाव दिख रहा है। माँ समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की यह छोटी सी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से। उन्होंने माँ के लिए लिखा है कि ये जो समंदर की लहरें हैं, ये जो सुनहरी रेत है और इनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाए हुए तीर्थ यात्री, ये रामेश्वरम के द्वीप के जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया क्या है? सब में तू निहित है, यानी सब में तू है, मेरी माँ, मेरी भारत माँ, सब में तू है और सब तुझ में समाहित है, यानी कि पूरी दुनिया मैं तू ही है और तुझ में ही पूरी दुनिया है, तेरी गोदी में, तेरी बाहों में मैं पला हूँ, मेरी कायनात रही तू। कायनात का मतलब होता है सृष्टि, प्रकृति, ये पूरी दुनिया, दुनिया के सब लोग, सबको मिलाकर कायनात कहते हैं, तो मेरी कायनात रही है तू। और जब विश्व युद्ध छिड़ा तो छोटा सा मैं था और मेरा जीवन जो है वो चुनौती बन गया था और जिंदगी अमानत बन गई थी। अमानत का मतलब होता है किसी और की धरोहर, यानी जब विश्व युद्ध छिड़ा मैं छोटा सा था, उस समय विश्व युद्ध के समय में जीवन जीना कमियों के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उनकी जिंदगी जो है वो धरोहर बन गई थी माँ की, भारत माँ की। मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले, तब कहीं भी चल जाने के लिए उस समय मीलों चलना पड़ता था, पर फिर भी जो जोश था, जो जुनून था, जो माँ के प्रति प्यार था, अपने देश के प्रति जो प्रेम था, वो उन्हें किरणों से भी पहले पहुंचा देता था। ये उनके भाव। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और यह सच जाहिर करती है कि वे कलाम के महान कामों से पीछे के पीछे प्रेरणा रहे।
कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। नई चीज सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। ये कविता उन्होंने तब लिखी जिसमें उन्होंने अपनी माँ और भारत माँ दोनों को एक साथ मिला दिया। उन्होंने तब ऐसा था कि उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, परंतु फिर भी ये वो अपने जीवन में जो भी काम करते रहे वो अपनी माँ से प्रेरणा लेकर करते रहे और अपनी माँ को और भारत माँ को एक समान समझते रहे। कलाम के बचपन में उनकी माँ ने उनको इतना अच्छा संस्कार दिया, उनके बचपन को संवारा अपने प्रयासों से और उनका उत्साहवर्धन इस तरह से किया कि उनका जो बालक मन था, बच्चे का मन था, उसके जो एकदम बच्चे के मन में सभी सहज भाव होते हैं, जैसे बच्चे का जो मन होता है वो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, हर किसी को बराबर समझता है। उसे बच्चे को तो समझाते समझाते धर्म में, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर बांटते बांटते उसको हम एक ऐसा ढाल देते हैं बड़े होते तक कि उसके अंदर तमाम नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, परंतु जो बच्चा होता है उसके मन में सभी सहज भाव, सकारात्मक भाव होते हैं। तो ये जो भाव उनके बचपन में थे वही भाव प्रौढ़ावस्था में भी उनमें छलकते थे। इसका कारण उनकी माँ का संस्कार था और वे नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की इतनी इच्छा थी, इतनी भूख थी, यही कारण था कि वे पढ़ाई पर घंटों ध्यान दिया करते थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनुल आबदीन 103 साल तक जीवित रहे और माँ आशियम्मा 93 साल तक जीवित रहीं। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। उनका जीवन का सबसे बड़ा अफसोस ये रहा कि वे भले ही कुछ भी प्रयास किया, उन्होंने कितना कुछ हासिल किया अपने जीवन में, पर इस एक काम को वो नहीं कर सके कि वो अपने माता पिता के जीवित रहते ही उनको 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। इस बात का उन्हें अफसोस था। एक बार भारतीय छात्रों को वे अपना संदेश दे रहे थे तो संदेश में उनका ये कहना था कि सपने क्या होते हैं, रात को सोते हैं, कभी डरावने सपने, कभी अच्छे सपने ऐसे आते हैं, उन्हें ही सपने कहते हैं, पर वास्तव में वो सपने नहीं होते हैं जो हम रात को सोते हैं और अचेतावस्था में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दें और उनको करने के जो लालसा है उसके पीछे हम इतने ज़्यादा खोएं कि हमें रात में नींद ही ना आए उन सपनों को पूरा करने की इच्छा की वजह से। वास्तविक सपने वो होते हैं जो हम खुली खुली आँखों से होशो हवास में सोच समझ कर देखें और उनको पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक करें, वे हम सही मायने में सपने होते हैं। जो सपने हम सोते हुए नींद में देखते हैं वो कोई सपने नहीं होते, क्योंकि वे न तो हम उनको पूरा करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं और ना ही कुछ करते हैं, ना उसमें कुछ भी सच होता है, वो कुछ भी ऐसे ही होता है चेतावस्था में देखा गया सपना। अब्दुल कलाम के हिसाब से वास्तविक सपने वो होते हैं जो हम खुली आँखों से पूरे होशो हवास में देखें, उनको पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक करें, वे वास्तविक सपने होते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जैसे कि हमें कुछ करने की इच्छा हो, हम किसी से चर्चा करें, अरे हमको तो ये वाली परीक्षा देनी, इसके लिए कुछ करना है, तो यहाँ चलो दे दो, ऐसे जैसे तैसे फॉर्म भरो दे दो, या इंतजार करो, एक बार में नहीं होगा, अगली बार, उस बार नहीं होगा, तीन बार चार बार देते रहो। तो ये जो है वो इंतजार है। इस तरह की चीज़ें किसी चीज़ के लिए अगर हम करें, साधारण सा उदाहरण है, अगर एक प्लेट में लड्डू रखे हुए हैं और 10 बच्चे हैं और 10 लड्डू हैं, हम अपनी बारी का खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे
और बाकी कोशिश कर रहे हैं, दौड़ के पहुंच गए, उठाने लगे तो उठा कर ले गए, कोई एक उठाया, कोई दो उठाया, हो सकता है कोई तीन उठा लिया। ऐसे में 10 ही बच्चे हैं, 10 ही लड्डू, जो इंतजार करेगा उसे क्या मिलेगा? 5 बच्चों ने दो दो उठा लिया तो बाकी 5 क्या बचा? ये उदाहरण था सिर्फ इस लाइन को समझने के लिए कि इंतजार करने वालों को उनका कहना था कि उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि जो दौड़ के पहुंचे हैं वो जो लड्डू छोड़ देंगे, वही जो इंतजार कर रहे हैं उन्हें मिल पाएगा ना। तो यहाँ पे बात लड्डू के लिए नहीं है, बात जीवन के सपनों के लिए, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है कि हमें भाग्य के भरोसे बैठ करके इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ हमें करना है, हमने सोच लिया तो उसके लिए कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। हम जितनी कोशिश करेंगे उतना ही हम पा सकते हैं, और कोशिश करके अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे तो भी हो सकता है कुछ पा लें, पर वो नहीं पा सकते जो हम सोच रहे हैं पाने के। प्रस्तुत लेख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। उसको उन्होंने खुद ही लिखा है, एक किताब विंग्स ऑफ फायर, उसमें से लिया गया है ये पूरे पाठ को। आइए, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है मेहनत करना चाहिए, अच्छे बड़े सपने देखने चाहिए, अपनी गरीबी का, मजबूरी का रोना दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही हम अच्छे हैं, और उसी स्थिति से हमें प्रयास करना शुरू करना। और जिस दिन हम ये सोच लिए और प्रयास को शुरू कर दिया, और तब तक नहीं थकना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो ऐसे में दुनिया की कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक गरीब परिवार से थे और एक बहुत दूर दराज के गांव से थे। उनके घर कुछ सुविधाएं नहीं थी, पर इन सब अभावों का रोना रोने वाले तो बहुत हैं कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ा, मैं उस वजह से नहीं पढ़ा, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वे लगातार मेहनत किए, उनकी माता उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही और कहाँ तक पहुँचे, ये सब हम लोगों के सामने है। आइए होमवर्क के लिए देख लेते हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं इस पाठ में जो कि हिंदी के नहीं हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए, उर्दू से लिए गए। तो पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को हिंदी अर्थ वाले शब्दों में बदलना। जैसे कि पहला शब्द है अमानत। अमानत को हिंदी में क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, अमानत की हिंदी होगी धरोहर। एहसास उर्दू शब्द है, हिंदी होगा आभास। कायनात उर्दू है, इसकी हिंदी सृष्टि। इसी तरह से आगे जो शब्द आए हैं, जिक्र, ज्यादा, सख्ती, अफसोस और सराबो, इनके लिए भी हिंदी अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं और उनको लिखना है। दूसरा है, वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, मुझे फल ही चाहिए और मुझे फल भी चाहिए। इसमें सभी शब्द एक ही हैं, केवल ही और भी का अंतर होने से अर्थ बदल जा रहा है। अर्थ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मुझे फल ही चाहिए यानी मुझे केवल फल चाहिए, केवल फल चाहिए यानी फल ही चाहिए, और मुझे फल भी चाहिए का मतलब हो जाता है मुझे और सारी चीजें तो चाहिए पर उनके साथ साथ फल भी चाहिए। इस तरह के 5 वाक्य बनाने। तीसरा है महान काम। मैं महान जो है काम की विशेषता बता रहा है यानी विशेषण। सहज भाव, इसमें सहज जो है वो भाव की विशेषता बता रहा है। महान व्यक्तित्व,
में महान जो है वो व्यक्तित्व की विशेषता बता रहा है, चर्चित लोग में लोग की विशेषता चर्चित शब्द बता रहा है, चुनिंदा हस्तियों में हस्तियों की विशेषता चुनिंदा शब्द बता रहा है, यानी ये सभी विशेषण हैं। तो आपको इस पूरे पाठ को पढ़ना है और ऐसे ही 10 शब्द जो विशेषण हो उन्हें चुन करके लिखना है और ये गृह कार्य करके शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।